तारीख़े इंसानी का सब तो वड्डा फातिहा सिकंदरे आजम जिन्हों यूनान तो लैके जेलम तक कोई ना रोक सकिया उन्हों सराय आलमगीर के राजा पोर्स ने जेलम रुकन ते मजबूर कर दिता। तारीख तो पता चलता है कि सिकंदरे आजम जिस वेले यूनान तो कई बादशाहियों नू शिकस्त देंदिया होया जेलम पहुंचिया ते जलालपुर शरीफ के मकाम उत्ते अपने लाओ लश्कर नू रुकन का हुक्म दिता। 326 कबले मसीह विच सिकंदरे आजम इस इलाके विच आया और उसने अपनी फौज के नाल इन्हां पहाड़ां दे अंदर 3 महीने तक क्याम किया और इसकी मेन वजह यह कि सिकंदर के जिहड़े जनरल सन उन्होंने कहा कि इस दरिया को पार करन वास्ते क्योंकि उन्होंने दिनों में ना डैम से और ना बैराज से और इस दरिया को पार करन वास्ते कश्तियां की जरूरत सी और जदों उसने राबता किया मुख्तलिफ माहिर कारीगरां नाल तो उन्होंने सिकंदरे आजम को 3 महीने का टाइम दिता कि 3 महीने के बाद असी इस दरिया को क्रॉस कर लवेंगे। 3 महीने तो बाद जदों सिकंदरे आजम ने इस दरिया को क्रॉस किया तो दरिया के उस पार उसनू राजा पोरस दे नाल एक बहुत बड़ी जंग का सामना करना पिया जिस चो उसने राजा पोरस को शिकस्त दी। लेकिन मेन चीज़ जी इस मकाम से तुम दसण वाली है वह यह है कि इन पहाड़ों के अंदर सिकंदरे आजम ने जो 3 महीने तक क्याम किया तो उसके जानवर खास तौर पर उसद घोड़िया और बकरिया ने इन पहाड़ों के पत्थरों चटना शुरू कर दिता और यह तहकीक अगे चल के नमक की दरियाफ्त का बायस बनी। जेलम के बारे में कहा जाता है कि जेलम सिकंदरे आजम के घोड़े का ना सी लेकिन हकीकत में सिकंदरे आजम के घोड़े का ना बेवकफाल सी। बाज रवायतों के मुताबक जेलम का पुराना नाँ जलहम सी जिदा मतलब है ठंडे पानिया की सरजमीन। वेले के गुजरदियां गुजरदियां जलहम जेलम विच तब्दील हो गया। सिकंदरे आजम के घोड़े नू राजा पोर्स के पुत्र ने मार दिता। जेलम का पुल पार करदियां ही सराय आलमगीर का इलाका आ जाता है जिहड़ा उस वेले राजा पोरपाल अलमारूफ राजा पोरस की सल्तनत होंदा सी। उस वेले इस इलाके नू पाटी कोटा का इलाका कहा जाता सी ते सराय आलमगीर के नवाई गां बेसा खुरद के काम ते अदालत लाई जांदी सी। ए ओ जगह जिथे राजा पोरस दा दारुल हुकूमत सी और ए ओ मेन किला के जिदे विच राजा पोरस दी फौज हुंदी सी। राजा पोरस सी और उसदे बाकी दफ्तर और अदालत ऐसे जगह ते लांदा हुंदा सी। उन्हूं कोई भी पूरी अपनी रियासत दे बारे च जान कदरी जेड़ी है इत्थे बह के ओ करदा हुंदा सी। तकरीबन 2300 साल पहला जिस वेले सिकंदरे आजम जलालपुर पहुंचिया ते बाज़ मुरहीन दे मुताबक ओ सावण दा महीना सी। दरियाए जेलम उस वक्त पानी दे नाल नको नक सी। दरिया दे एक पासे सिकंदरे आजम अपनी 16,000 फौज ते दूजे पासे राजा पोरस 36,000 फौज ते 200 हाथी सवारां दे नाल मौजूद सी। सिकंदरे आजम ने जलालपुर तो रात की तारीकी दरियाए जेलम नू पार कीता ते मोंग दे इलाके विच पहुंचिया जिथे राजा पोरस नाल ही गुमसान जंग तो बाद फतह हासिल कीती। इस जंग विच सिकंदरे आजम दे 3,000 ते राजा पोरस दे 20,000 सिपाही मारे गए। शिकस्त तो बाद जिस वेले राजा पोरस नू सिकंदरे आजम दी अदालत विच पेश कीता गया ते सिकंदरे आजम ने पुछया, दस पोरस तेरे नाल की कीता जाए। राजा पोरस ने बादशाही लहजे विच जवाब दिता, मेरे नाल ओ कर जेड़ा एक बादशाह दूजे बादशाह नाल करदा है। राजा पोरस का जवाब सिकंदरे आजम नू चंगा लगा ते उन्हें राजा पोरस नू उदी सल्तनत वापस कर दिती ते नाल कुछ होर इलाका भी अनायत करदियां होया अगे अपनी मंजिल आल निकल पिया। जिहड़ियां कौमां अपनी तारीख नू याद रखदियां ने वह हमेशा जिंदा रहिंदियां ने। कैमरामैन रिजवान रशीद दे नाल अरशद सीना, अपना न्यूज़ जलालपुर शरीफ जेल।